हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओके इंजीनियरिंग। तो आज का जो टॉपिक, हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे अपने सर्वेइंग के यूज के बारे में, जो सर्वे में यूज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला आता है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वे में, जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा टेप। टेप जो होता है ये हमारा लीनियर मेजरमेंट करता है। टेप आपने पढ़ा होगा, इनवायर टेप, क्लॉथ टेप, ये फोर टाइप, कई टाइप की होती हैं। तो लीनियर मेजरमेंट के काम हमारी टेप आती है। नेक्स्ट आती है हमारी चेन। चेन क्या करती है, भी हमारी लीनियर मेजरमेंट करती है। इंजीनियरिंग चेन है आपकी, ये भी कई टाइप की होती है, जैसे इंजीनियरिंग चेन, गंटेड चेन, ये कई टाइप की होती है। ये जो होती है आपकी 3 mm की होती है, इसमें पीतल का हत्ता होता है और वहाँ पे एक फिरकी जोड़ लगा होता है, जिसकी वजह से ये एक लंबी दिशा में हम इसको फैला सकते हैं। आगे आता है ट्राइपोड। ट्राइपोड क्या होता है, यूज फॉर सेटिंग अप इंस्ट्रूमेंट। ये हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपना यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं, या कोई लेवलिंग करने के लिए हम कोई लेवल इंस्ट्रूमेंट अपना यूज करते हैं, तो उसको हम ट्राइपोड पे हम कसते हैं, उसके बाद में उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टाफ फॉर टॉकिंग रीडिंग। स्टाफ जो होता है आपका रीडिंग पढ़ने के लिए होता है, जैसे लेवलिंग स्टाफ, जब आप लेवल करते हैं तो लेवलिंग स्टाफ को लेवल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से लेवलिंग स्टाफ पर आप रीडिंग पढ़ेंगे, तो ये आपको रीडिंग पढ़ने के काम आता है। नेक्स्ट आपका क्लाइनोमीटर। क्लाइनोमीटर जो होता है यूज्ड फॉर वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। जो क्लाइनोमीटर आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमको वर्टिकल एंगल यानी ऊर्ध्वाधर कोण को मापता है हमारे ये। नेक्स्ट हमारा सब्सटेंस बार। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सब्सटेंस बार जो होता है ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ क्या होता है, टू स्टेबलाइज राइट एंगल्स। ये स्टेबलाइज हमारे राइट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा प्लानीमीटर। प्लानीमीटर क्या होता है, यूज्ड फॉर एरिया मेजरमेंट। प्लानीमीटर को हम अपनी एरिया मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थियोडोलाइट। थियोडोलाइट जो है मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स और टॉकिंग स्टाफ रीडिंग। थियोडोलाइट को हम पहले तो अपना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स लेता है, ट्राईपोड पे हम इसको सेट करते हैं अपने, उसके बाद में हम इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया था, एक लेवलिंग स्टाफ होता है, उस पर हमारी रीडिंग लिखी होती है, तो थियोडोलाइट द्वारा हम उसको उस पर रीडिंग अपनी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टैकोमीटर। ये क्या होता है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में हमारी डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। इससे हम हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पैथोमीटर। पैथोमीटर क्या होता है, ये मेजरमेंट करता है डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज। हमारा वाटर बॉडीज में हमारी डेप्थ मेजरमेंट करता है, कितना हमारा गहराई है, तो वहाँ पे हम पैथोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा घाट ट्रेसर। ये हमारा यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट होती है, हम स्लोप देते हैं, उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए हम घाट ट्रेसर को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ क्या होता है, यूज्ड फॉर एनलार्जिंग प्लान। हमारा कोई एनलार्जिंग प्लान है, काफ़ी एनलार्ज है, उसको हम स्मॉल करें और बिग करना चाहें, तो उसके लिए हम पेंटाग्राफ को यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।